मीमांसा दर्शन के क्रम में 39वीं कक्षा और अर्थ संग्रह के क्रम में 6ठी कक्षा। अर्थ संग्रह में वेद के अलग अलग इन्होंने विभाग किए, जिसमें प्रथम विभाग विधि, और विधि के भी फिर भेद किए, उसमें भी प्रथम था उत्पत्ति विधि, जिसका कि हमने पिछली कक्षा में विवरण देखा। उत्पत्ति विधि, विधि के चार प्रकार बताते हुए, और उससे पहले भी हमने थोड़ा देखा था कि विधि कैसी होती है, तो अपूर्व का कथन होता है, उसमें नई चीज बताई जाती है, वो नई चीजें कई प्रकार की हो सकती है, और किस वाक्य को विधि, उस वाक्य में कौन सा अंश विधि माना जाए, कौन सा पहले से कहा गया है और अब पुनः कहा जा रहा है यानी अनुवाद माना जाए, और उसमें भी जो जो भेद होते हैं, क्योंकि सब विधियों का वर्णन एक जैसा तो मिलता नहीं है, कहीं किस ढंग से कहा गया है, कहीं किस ढंग से कहा गया है, तो उन सब को भी ध्यान में रखते हुए विधि की प्रक्रिया को कुछ उदाहरणों के साथ हमने देखा था। जैसे कि ज्योतिष्टो में स्वर्ग कामो यजेता और उद्भिदा यजेता पशु कामा, ये सब पीछे देखा था, तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ ओ आचार्य जी, पीछे एक वचन आया था सोमेन यजेत, तो उसको विशिष्ट विधि कहा गया था, तो जहां पर भी विशिष्ट विधियां होंगी तो वहां पर हर जगह पे ही मत्वर्थ लक्षणा लगेगी, लगनी चाहिए, लेकिन अगर शब्द ऐसा है, अगर मान लो सोमवता या सोम कुछ इस तरह से आ जाता, तब तो शब्द ही सीधा कह देता, लेकिन प्राय करके सोमेन यजेता ऐसे ही आता है, इसी तरह से दूसरे शब्द मिलेंगे, तो वहाँ वहाँ भी मत्वर्थ लक्षणा कर सकते हैं, अगर अभी तक घट नहीं रही है, जिस तरह से इन्होंने कहा घट नहीं रही है, तो मत्वर्थ लक्षणा में जाएंगे, जाना होगा। हाँ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 56 में इसमें जो नीचे 15वां जो अनुच्छेद है, तो इसमें कह रहे हैं कि अत्र च विधौ कर्मणः करणत्वेन अन्वयः, जैसे अग्निहोत्रम जुहोति, इसमें जो अग्निहोत्रम कर्म है उसको कारण के रूप में व्यवहार किया जाता है, तो इसका क्या नियम है, कैसे मतलब ऐसा किया जाता है? देखिए, व्याकरण की दृष्टि से तो हम केवल इतना ही देख रहे हैं, अग्निहोत्रम जुहोति, जुहोति क्रिया हो गई और किसको कर रहा है, तो अग्निहोत्रम जुहोति, और वो कर्ता का ईप्सिततम है, इसके आगे की कोई बात वहां नहीं देखी जा रही है। ठीक है, शब्द रचना की दृष्टि से जब हम वाक्य को देखेंगे केवल शब्द रचना का, तब तो वो व्याकरण की दृष्टि से होगा। अब चूंकि ये वाक्य शास्त्र है और वो वक्ता के तात्पर्य और उन सब पृष्ठभूमियों को कि मानव का स्वभाव क्या होता है, कब कब कहता है, तो भाई अग्निहोत्रम जो होती,
भाई अग्निहोत्र कर रहा है तो निरर्थक कर्म तो नहीं करेगा कोई व्यक्ति, निरर्थक समझते हुए तो नहीं करेगा, वो कुछ ना कुछ अर्थ यानी प्रयोजन देख रहा है। ये वाक्य में भले ही नहीं आया हो अग्निहोत्रम ज्योति में, लेकिन क्या हमें पता नहीं है? ये जुड़ी भी बात है ना इसके, आप इसको अधिकरण सिद्धांत के रूप में ले लीजिए चाहे तो, कि वक्ता ये बोल रहा है अग्निहोत्रम ज्योति, वो अग्निहोत्र कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ उस व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ अर्थ या प्रयोजन बना हुआ है जिसकी पूर्ति के लिए वो अग्निहोत्र कर रहा है। ये अर्थ इसके साथ जुड़ा हुआ है या नहीं है? शब्द में नहीं कहा गया लेकिन जुड़ा हुआ है। दूसरे शब्दों में ले लीजिए आप, कहें कि अग्निहोत्रम जो होती है, तो किसी को किसी ने पहली बार देखा भाई अग्निहोत्र कुछ होता है तो बोले क्यों करते हैं, ये क्यों कर रहा है, ऐसा आएगा ना? कोई बच्चे को देखो, बच्चे को देखो बोले ये अग्निहोत्र कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, एकदम प्रश्न करेगा माता पिता से। कोई बैठा बैठा प्राणायाम कर रहा है ऐसे जिस भी तरह से, या कुछ आसन कर रहा है, अब बच्चा पहली बार देखे उसको तो बच्चे को कुछ उठपटांग लगेगा, ये क्यों पैर ऊंचे कर रखे हैं या क्यों ऐसे तेजी से सांस छोड़ रहे हैं, हम तो सामान्य सांस ले रहे हैं, तो बच्चा नहीं पूछेगा ये जोर जोर से सांस क्यों छोड़ रहा है, अर्थात इसके पीछे की क्या मनोवृत्ति है, ये क्यों कर रहा है। और बच्चे ने क्यों क्यों पूछ लिया, क्योंकि बच्चे को भी ये पता है कि कोई क्रिया की जाती है तो प्रयोजन होता है उसका। और ये निष्कर्ष क्यों है हमारा, क्योंकि हमारा सबका अनुभव है, ये सबका एक ना हर चीज के अंदर प्रयोजन जुड़ा ही रहता है, लक्ष्य जुड़ा ही रहता है, तो वो प्रयोजन जुड़ गया। तो अग्निहोत्रम जो होती, जब यूं कहेंगे तो अग्निहोत्र को वहां हम लक्ष्य के रूप में देखेंगे या साधन के रूप में देखेंगे? जब कोई ये पूछ रहा है कि अग्निहोत्र क्यों कर रहा है तो अग्निहोत्र क्या है, ये साधन में आ जाएगा ना, अपने आप साधन आ जाएगा ना, नहीं तो और किस रूप में देखेंगे? अब किसी को कहें कि जी बाजार जा रहा हूं, क्यों जा रहे हो? बस जा रहा हूं, तो आप संतुष्ट हो जाओगे कि हाँ बस यूं ही जा रहा है, भाई कुछ खरीदने जा रहा होगा, और नहीं तो चलो वैसे ही समय गुजारने के लिए जा रहा होगा, घूमने के लिए, मनोरंजन के लिए, किसी भी तरह जा रहा होगा, कुछ ना कुछ प्रयोजन तो होगा, यानी वो जो कर्म है वो अपने आप में प्रयोजन लक्ष्य नहीं हो सकता। क्रिया अपने आप में प्रयोजन लक्ष्य नहीं हो सकती, चाहे यम नियम का पालन हो, धर्म का पालन हो, साधना हो, कुछ भी हो, क्रिया अपने आप में प्रयोजन नहीं हो सकती। और कोई उठक बैठक कर रहा है, दंड बैठक लगा रहा है, बोले क्यों कर रहे हैं, बस कर रहा हूं उठक बैठक, अभी कुछ ना कुछ तो प्रयोजन होगा। और जैसे ही हम प्रयोजन लाएंगे तो वो क्रिया उसके साधन के रूप में आ जाएगी, ठीक है? इसका कोई अपवाद देख पाएंगे नहीं, ये वाक्यार्थ बोध की बात है। हम किसी वाक्य का अर्थ केवल शब्दों के आधार पर नहीं लगाते, जब हम शब्दों के आधार पर लगाने लगेंगे तो कुछ ना कुछ चूक जाएंगे, छूट जाएगा हमारे से, हम मूल तक नहीं पहुंच पाएंगे। और हम प्रतिदिन के व्यवहार में, जो मैंने इतने सारे उदाहरण दे दिए, असंख्य उदाहरण हमारे जीवन में आपको ऐसे ही मिलेंगे कि किस तरह से हम अर्थ का बोध करते हैं। केवल व्याकरण से नहीं चलेगा, क्योंकि अर्थ का बोध दिखने वाले शब्द ही नहीं कराते, उन शब्दों से जुड़ा हुआ जो हमारा ज्ञान है। एक तो शब्दार्थ संबंध होता है कि शब्द का सीधा सीधा जो अर्थ है उसको हम जानते हैं, ठीक है? अगर वो शब्द संकेत नहीं हुआ है तो भी हम नहीं जान सकते, लेकिन किसी ने केवल शब्द और अर्थ इतना ही जान रखा है, लेकिन ये चीजें होती कब हैं, वो पृष्ठभूमि जो हमारा ज्ञान है, हमारा अनुभव है, हमने सुना है या हमारा आत्मा का स्वभाव ही है ऐसा, वो सब चीजें मिली हुई हैं, हमारे संस्कार हैं ऐसे, उसकी छाया में हम देखते हैं उस वाक्य को, किसी ने ये कहा है तो क्या मतलब है। तो पहली बात तो अग्निहोत्रम ज्योति को यदि हम शब्द रचना से भिन्न जाके वाक्य की दृष्टि से देखेंगे तो अग्निहोत्र में क्या दिखने लगेगा, करण दिखने लगेगा ना। अब उसको व्याकरण की दृष्टि से यूं नहीं कहेंगे कि यहां तो जी कर्म लिखा हुआ है, इसको आपने करण कैसे बना दिया,
करण कैसे बना दिया? हां, करण भी बनाया जा सकता था यदि लक्ष्य को भी वहां पर, प्रयोजन को भी वाक्य में लिखा गया होता, तो व्याकरण की दृष्टि से क्या हो जाता? यही बन जाता ना, लक्ष्य को बताता, प्रयोजन बताता, स्वर्ग को बताता और अग्निहोत्र से कर रहा है, व्याकरण भी वही बोलता। लेकिन हम भाषा में लक्ष्य को नहीं बताना चाह रहे अभी, बस एक सामान्य कथन कर रहे हैं, अग्निहोत्रम जो होती, इतना ही कहना है, इसलिए हम अग्निहोत्रम जो होती ही कह रहे हैं बस। लेकिन तात्पर्य जो समझना है, जो बोला कुछ गया उसके साथ साथ बहुत कुछ हम समझ लेते हैं, ये वाक्यार्थ बोध से जुड़ी हुई बातें हैं, तो ये यहां पर साथ में जुड़ गया। इसलिए अग्निहोत्रम ज्योति का मतलब मात्र इतना ही नहीं है, इसको करण रूप में तो बदलना पड़ेगा। तो इसलिए इन्होंने क्या लिख दिया, अग्निहोत्र होम है ना, हाँ, अग्निहोत्र नामक होम से अग्निहोत्र होम इसलिए कह दिया गया कि अग्निहोत्र एक संज्ञा है। यदि भी इसमें होत्र में हु आ चुका है, लेकिन अग्निहोत्र होम है ना, अग्निहोत्र नामक होम से, होम एक विशिष्ट संज्ञा है, उसकी तरफ संकेत है कि अग्निहोत्र जो होम है, अग्निहोत्र होमेना। अब आगे क्या लिख दिया इन्होंने, इष्टम। यह भी पूरी उसी तरह से मनोविज्ञान से जुड़ी हुई बात है, आत्मा के स्वभाव की बात है कि अगर हम किसी प्रयोजन को पाने के लिए, लक्ष्य को पाने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उस प्रयोजन में हम इष्ट भाव देख रहे होंगे या अनिष्ट भाव देख रहे होंगे? इष्ट ही देख रहे होंगे ना, कुछ और नहीं देख सकते। तो ये इष्टत्व भी वहां पर हमें पता लग जाता है कि ये व्यक्ति इस काम को बड़ी लगन से कर रहा है, इसका मतलब है वो उसमें कुछ लाभ देख रहा है, हित देख रहा है, ये इष्ट हो गया, क्योंकि वो चाहता है ऐसा। इष्ट मतलब जिस, जो हमारी इच्छा है वो है इष्ट, इष्ट की सिद्धि आदि शब्द है ना, अनिष्ट हो गया इष्ट, अनिष्ट मतलब गलत हो गया, मतलब जो हम नहीं चाहते थे वो हो गया, वो अनिष्ट कहलाता है। किसी को कोई अनिष्ट कह सकता है, वो उसको दूसरा उसको इष्ट भी कह सकता है, लेकिन जो इच्छित है वो इष्ट है, जो अनिच्छित है वो अनिष्ट है। और इच्छित हितकारी लाभकारी ही होगा, ये आत्मा का स्वभाव है, इसके अतिरिक्त तो जा ही नहीं सकता, इसका अपवाद ही नहीं है। बाहर से हानि दिख रही हो तो भी कुछ ना कुछ वो हित जरूर देख रहा होगा। हेतुरत्र भविष्यति, कोई ना कोई हेतु होगा, अगर गलत भी दिख रहा है तो नहीं, हेतु रत्र भविष्यति। पंचतंत्र का है बच्चों को सिखाने के लिए, पंचतंत्र की एक कथा आती है, हेतु रत्र भविष्यति, नहीं इसमें कोई ना कोई कारण होगा। क्या कथा है? तिल वाली कथा है, और सुन लीजिए वो भी, देखो पंचतंत्रकार कैसे कहते हैं, एक मूलभूत बात कहते हैं निरुपवाद रूप से बच्चों को समझाने के लिए। तो तिल को खाते हैं सर्दियों में, तो उसको पहले भिगोते हैं, वो भी एक तरीका होता है, फिर उसको कूटते हैं ओखली में, फिर उसके वो छिलके हटा देते हैं, अंदर गिरी होती है ना, और छिलके सहित भी लड्डू आदि बनते हैं, और जैसे तिल की पपड़ी बनती है ब्यावर की, तो छिलके हटके बनती है अंदर की गिरी, और भी कुछ चीज़ें हैं तो अंदर की खाते हैं, दोनों शैलियों से। तो एक ब्राह्मणी थी, वहाँ जैसी कथा है उस तरह बोल रहा हूँ, कोई भी हो सकता है, उसने तिलों को भिगोया, कूटा, छिलका हटाया और धूप में सुखा रखा था, उसके बाद है नमी तो हटानी पड़ेगी, भीगी हुई थी, तो कुत्ता आकर के और उस पर लघु शंका कर गया तिलों के ऊपर, तो अब क्या करो, तो बुद्धिमती थी आजकल की दृष्टि से कहो बुद्धिमती थी, जिसको आजकल समझदार बोलते हैं लोग, बच्चा समझदार हो गया है। तो उसने तिल लिए और बेचने के लिए निकल पड़ी, धुले हुए तिलों के बदले में बिना धुले हुए तिल दे दो अब धुले हुए तिलों के बदले में तो धुले तिल क्यों देगा कोई, क्यों देगा? तो उसने क्या कहा, ऐसा बोलते बोलते जाने लगी कि धुले हुए तिल ले लो, बदले में उतने ही बिना धुले हुए तिल दे दो। तो एक गृहिणी ने देखा, उसका मन ललचा गया, क्योंकि धो भिगोएंगे कूटेंगे तो मेहनत पड़ेगी, ये तो बहुत अच्छी बात है, बिना धुले देंगे और धुले हुए मिल जाएंगे, तो उधर उत्सुक होने लगी।
उसका बच्चा पास में था, तो बोले ऐसा हो नहीं सकता, कोई मनुष्य ऐसा कर ही नहीं सकता कि वो धुले हुए दे और बिना धुले हुए ले ले। तब वो श्लोक बोलता है उसमें, फिर अंत में कहता है, नहीं हेतु रत्र भविष्य थे, इसमें कुछ ना कुछ कारण अवश्य होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है कि व्यक्ति हानि उठा करके किसी को दे दे, मानव का स्वभाव ही नहीं है, कुछ ना कुछ कारण अवश्य होगा। अब उधर कुत्ते ने पेशाब कर दिया, कहीं दूसरा कोई प्रयोजन हो सकता है। वस्तुओं वाले पहले शुरू शुरू में चीजें बेचते हैं ना, बड़ी सस्ती सस्ती बेचते हैं, लागत से भी कम मूल्य में बेचते हैं, चाय को भी निःशुल्क पिलाया करते थे, ऐसे पुराने लोग बताते हैं, चाय जब चले थी पैसे दे के पिलाते थे या निःशुल्क पिलाते थे ले ले करके, कैसे होता, दानी हो गए हैं, हेतु रत्र है कहीं भी। तो अगर कोई व्यक्ति क्रिया कर रहा है तो प्रयोजन होगा, और वो प्रयोजन इष्ट ही होगा, अनिष्ट नहीं हो सकता। ये तिल के प्रसंग में बच्चा समझ गया था कि ये अनिष्ट तो कोई कर ही नहीं सकता, ऐसा गलत क्यों करेगा, अपना घाटा क्यों खाएगा, कोई इष्ट तो है। ये जो आजकल मॉल में और उसमें डिस्काउंट वाले लगे हुए रहते हैं, डिस्काउंट वाले रहते हैं कि भाई ये 200 रुपए का फलों का रस है और अब ये 25% छूट है, 50% छूट है, क्यों भाई, हेतु तो है वहां पर, उसका अंतिम समय आने वाला है, एक्सपायरी डेट आ रही है, अगर पड़ा रह गया तो वो कहीं का नहीं रहेगा, वो तो डूब जाएंगे उनके रुपए, तो वो चौथाई कर देते, आधा कर देते हैं, चौथाई माफ कर देते हैं इत्यादि। हेतु रत्र भविष्यति, तो अग्निहोत्र कर रहा है तो कोई ना कोई प्रयोजन है, और वो प्रयोजन इष्ट ही होगा, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, अग्निहोत्र होमे न इष्टम भावयेत, और ज्योति की जगह भावयेत आ गया, अग्निहोत्रम ज्योति। उस दिन भी स्वामी जी जो पूछ रहे थे, तो यद्यपि लट लकार का प्रयोग है, वैसे इतने इतने हमारे प्रयोग मिलेंगे जहां हम बोल तो रहे हैं वर्तमान काल में लट लकार में, लेकिन वहां पर विधि अर्थ मिलेगा। बच्चा या कोई व्यक्ति बाजार जा रहा है सामान लेने के लिए, सब्जी लेने के लिए, अथवा नहीं भी जा रहा है, आए हैं पतिदेव आए हैं, और पत्नी ने कहा है कि बाजार में आम आ गए हैं, ठीक है, अब इसमें कोई विधि है क्या, आ गए हैं लट लकार का प्रयोग लेकिन मतलब क्या है इसका, वाक्यार्थ बोध क्या है, हम सब समझते हैं, पति भी समझता है, और कोई बाजार जा रहा है तो बोले जामुन आ गया, मैंने जामुन देखे थे, भूतकाल का प्रयोग करें, भी मैं आ रहा था पति थे, मैं आ रही थी तो मैंने जामुन देखे थे, अथवा पति आकर के कहे कि मैंने देखे थे कि करेले बिक रहे थे, अब पति यूं कहे कि मैंने देखा था कि करेले बिक रहे थे, तो पत्नी को क्या कह रहा है वो, ये करेले की सब्जी बनाओ, लाओ उसको सब्जी बनाओ उसको, विधि हो गई ना, लट लगा रहे, खूब प्रयोग करते हैं हम। वक्ता का तात्पर्य क्या है, क्योंकि तात्पर्य केवल शब्दों में नहीं छुपा हुआ होता, उसके अलावा परिस्थिति, कौन किसको कह रहा है, हाव भाव का भी होता है, ये सारा इसमें जुड़ता है। तो ये चूंकि ये शास्त्र वाक्यार्थ बोध का है, तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आखिर सार क्या निकल रहा है इस वाक्य का, उस पर ये अपने को केंद्रित करना चाहते हैं, भाषा की समझ जो है, हम सब करते रहते हैं लेकिन हमें उन चीजों का बताया नहीं जाता है, उस पर केंद्रित नहीं किया, इसलिए हमें पता नहीं होता है। आप मीमांसा में कितनी जगह देखेंगे बार बार ये लौकिक उदाहरण देंगे, लोक में भी तो ऐसा होता है। अच्छा, इस शैली को जब हम वेद में या शास्त्रों में घटाने लगते हैं तो कहते हैं कि नहीं ये तो गलत अर्थ कर दिया आपने, ये तो वर्तमान लट लकार का प्रयोग था, आपने विधि कहां से ले आए इसमें, बोले व्यत्यय कर सकते हैं वही प्रसंग और वो सारी चीजें देख करके, जिनका प्रयोजन ये है। तो आधुनिक भाषा शास्त्री भी बोलते हैं, सब करते हैं, भाषा से जो शब्द बोले गए, जो वाक्य बोले गए, उससे हम 30-40% ही अर्थ का बोध करते हैं, उसके अलावा वक्ता के बोलने का तरीका, उतार चढ़ाव, लहजा, उस उन्हीं शब्दों का ऊंचा नीचा, गति, उससे भी हम अर्थ का बोध लेते हैं। उसके अलावा बोलने वाले के हाव भाव से भी पता लगता है, ऊंचा नीचा कुछ भी हो रहा हो, क्योंकि कई बार बड़ी मृदु ढंग से भी कोई बोल रहा है लेकिन फिर किस परिस्थिति में बोल रहा है, वो किसको बोल रहा है, प्रसंग क्या है, उन सब से भी हम अर्थ को लेते हैं।
अब नाट्य शास्त्र के अंदर अभिव्यक्ति होती है ना, मूक अभिव्यक्ति, वो नृत्य करते हैं और नृत्य में कथाएं अभिव्यक्त करते हैं, जैसे मूक बधिर भी जैसे करते हैं कुछ संकेतों से, लेकिन नृत्य के अंदर भी करते हैं बोले बिना। इसी तरह मूक अभिनय भी होता है, बच्चों को मिमिक्री क्या बोलते हैं, माइक बोलते हैं, हाँ वो मूक अभिनय भी होता है। वो इसका मतलब क्या हुआ कि बिना शब्द के बोले भी हम अपने भावों को कहते ही हैं, और हम सबको पता है ये। और मीमांसा शास्त्र उन्हीं चीजों को, एक एक छोटी 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 चीजों को ला ला करके हमें बताएगा, और हमें को हमें स्वीकार्य हो जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसा ही होता है, भाषा ऐसे ही चलती है। और जब हम उस भाषा को अच्छी तरह से समझने लग जाते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, अब जब अपौरुषेय शब्द को, वाक्य को हम देखेंगे, वेद आदि को, तो चूंकि हमारा मस्तिष्क वैसे विकसित हो चुका है, तो हम वहां से वाक्यार्थ बोध बहुत अच्छा, अधिक निकट कर ला सकते हैं, त्रुटि की संभावना कम हो जाएगी। नहीं तो रुक्ष वाक्य शब्द और उतने को ही हम पकड़ के रहेंगे, यद्यपि प्रयोग करते हैं जीवन में, लेकिन वहां नहीं घटा पाते हैं, शास्त्रीय वचनों में हम नहीं घटा पाते, लेकिन इसी का ही अभ्यास है बस, ये सारा का सारा मीमांसा शास्त्र, वाक्यार्थ बोध, वाक्यार्थ बोध, वाक्य का कैसे अर्थ निकल जाएगा, उसमें छोटी छोटी बातों को बताएंगे। तो अग्निहोत्रम ज्योति का इन्होंने जो अर्थ कर दिया, अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावयेत, तो कैसा लग रहा है ये अर्थ, इसका ठीक है या नहीं, अग्निहोत्रे ना तृतीय विभक्ति ले आए, ये व्याकरण के अनुकूल है या विपरीत है, व्याकरण के अनुरूप है या विपरीत है, मनमाना विभक्ति परिवर्तन कर लिया, मनमाना कर लिया नहीं, वक्ता के अभिप्राय परिस्थिति के अनुरूप किया। तो अब इस तरह देखेंगे तो ये वाक्यार्थ बोध लगेगा या नहीं लगेगा आपको, तो इसलिए देखो ये पंक्ति जो पूछ रहे थे, अत्र विधौ, इस विधि में, विधि तो हो रही है अग्निहोत्रम जो होती में, विधि तो है, पहली बात तो विधि है, भले ही लट लगा रहे, कर्मणः कर्णत्वेन अन्वयः, कर्मत्व ये द्वितीय विभक्ति अग्निहोत्रम है, इसका अन्वय कैसे हो रहा है, जुड़ कैसे रहा है, यहां पर कर्ण के रूप में अन्वय है, और उसको करण रूप में कैसे अन्वय है, तो इन्होंने विभक्ति परिवर्तित करके बता दी, अग्निहोत्र हो में ना इष्टम भावये, इष्टम को अब यहां पर कर्म बना दिया, कर्ता का इप्सिततम क्या है, अग्निहोत्र इप्सिततम है या स्वर्ग इप्सिततम है, इष्ट इप्सिततम है, इप्सिततम वास्तव में क्या है, तत्वतः देखेंगे तो इष्ट ही होगा। अब वो इष्ट क्या है, वो प्रसंगानुसार स्वर्ग हो सकता है, कुछ और हो सकता है, भूख मिटाना हो सकता है, जो भी है सुख हो सकता है, लेकिन इष्ट शब्द से वो एक सामान्य वाक्य शब्द बोल दिया, जो भी इष्ट हो, ठीक है, बोलिए। पृष्ठ संख्या 53 53 जी, दूसरा अनुच्छेद है जी, अनु उद्भिदा यजेत पशु काम है इत्यस्यैव ज्योतिष्टोमेन इत्यस्यापि उत्पत्ति अधिकार विदित्वम् अस्तु इति चेत् जी। तो यहाँ पर जो उद्भिदा यजेत पशु काम है, यहाँ पर उत्पत्ति और अधिकार विधि यहाँ पूर्व पक्षी मान रहा है, पूर्व पक्षी नहीं सिद्धांती भी सिद्धांती मान रहा है, ये सिद्धांती मानता है और पूर्व पक्षी तो उसको उठा करके लेके आ गया, क्योंकि सिद्धांती ने क्या कहा था, ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, यहाँ पर उत्पत्ति और अधिकार विधि दो दिखाई दे रही हैं, उत्पत्ति विधि यहां नहीं मान सकते क्योंकि यहां अधिकार विधि है, तो सिद्धांती का क्या भाव गया था कि एक साथ दो विधियां नहीं हो सकती, उत्पत्ति और अधिकार नहीं हो सकती, तो उसी को गिना रहा है कि देखिए ये पंक्ति तो आप यहां तो उत्पत्ति और अधिकार विधि दोनों लेते हो आप, तो जैसे वहां आप करते हो वैसे यहां पर भी लग जाएगा, ऐसे आक्षेप दे रहा है। हाँ तो फिर सिद्धांती कहते हैं कि दृष्टांते उत्पत्ति वाक्य अंतरा अभाव अन्यथा अनुपत्या, तो यहां पर जब दूसरा उत्पत्ति भाव का यहाँ पर नहीं मान रहे, अभाव हो गया, तो यहाँ नहीं अभाव है, नहीं उस इसी में वाक्य में दृष्टांत, दृष्टांत का मतलब हो गया उद्विदा यजेता पशु काम, ये उद्धृत दृष्टांत वाक्य, इसमें उत्पत्ति वाक्य के बिना, उत्पत्ति वाक्यांतर भावेना, उत्पत्ति वाक्य के अंतर भाव के द्वारा, दूसरा अंतर अभावेना अन्यथा अनुपपत्या, और किसी ढंग से इसकी उत्पत्ति विधि संभव ही नहीं है, कोई दूसरा वाक्य है ही नहीं जो उत्पत्ति करता होगा, उत्पत्ति करेगा, इसलिए यहां पर अधिकार तो है ही, उत्पत्ति विधि भी माननी पड़ती है, भाई बिना उत्पत्ति की आप अधिकार को कहोगे कैसे, भाई ये कर्म करना चाहिए, इसका अधिकारी कौन है, अधिकार किसका है,
तो पहले कर्म का ही नहीं पता है, तो वो मानना पड़ रहा है यहां पर दो, क्योंकि अन्य वाक्य नहीं है। जबकि ज्योतिष्टों में स्वर्ग काम हो यजेता, इसमें दूसरा वाक्य मिल रहा है, इसलिए कोई बात नहीं है। हाँ, मैं इसमें यह कहना चाह रहा हूँ जैसा जी कि यहाँ पर जब दूसरे वाक्य का अभाव मान लिया, हाँ, तो फिर उत्पत्ति अधिकार एक वाक्य से कैसे होगी यहाँ पर? एक दोनों आएंगे ना, नहीं तो वाक्य व्यर्थ होगा। अगर देखो उद्भिदा यजेता पशु काम है, मैं इसमें भी यदि हम मात्र अधिकार विधि माने तो बिना उत्पत्ति के, तो उत्पत्ति विधि के तो अधिकार विधि का प्रसंग ही नहीं है। क्योंकि खाना बनाओ तो फिर हम कहेंगे ऐसे ऐसे बनाओ, अब खाना तो बनाने का हुआ नहीं, किसी को कहा कि भाई ये इसको आटा उसनो, अब आटा उसनो ये कह दिया किसी को, अब भोजन बनाओ ये तो कहा नहीं गया था, तो भोजन बनाओ का विधि कहां से लाएंगे हम निकाल के? वो कहें कि नहीं आटा उसनो इसी से ही हम निकाल लेंगे कि भोजन बनाओ ये भी कहा जा रहा है। बोले नहीं जी ये तो दो तो हो नहीं सकते। बोले नहीं खाना बनाओ होगा तभी तो आटा उसनने की बात होगी, नहीं तो कोई मतलब नहीं है उसका। तो मानना होता है, उसमें दोष नहीं माना जाता है। अगर दूसरी जगह कथन किया गया जा चुका है फिर अगर दोनों यहां से लेंगे तो दोष माना जाएगा, नहीं तो इसको तो हमें मानना पड़ेगा। यद्यपि दोष है लेकिन इसके अलावा चारा नहीं है, इसलिए मानना पड़ता। चलिए इसी में यदि अग्निहोत्रम जो हो या सर्व कामो, तो वहां पर यदि उसको लेते हैं तो विधि वाक्य हो गया जी। अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम जी, अधिकार, हाँ। अधिकार मान लेंगे वहां पर, अधिकार विधि मानेंगे। हाँ, तो यहां ये, पर ये ज्योतिष्टो मैंने स्वर्ग कामो ये जेता, ये वाक्य ले लो ऊपर वाला। हाँ, ज्योतिष्टो मैंने स्वर्ग कामो ये जेता, ये अधिकार अधिकार वाक्य हो गया। तो उसमें तो अधिकार रूप में स्वीकार किया जाएगा, वो अधिकार विधि ही मानी जाएगी, उत्पत्ति विधि नहीं है, उत्पत्ति विधि नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पर फिर उद्भिदा यजेता पशु काम है, मैं कहना चाह रहा था कि यहाँ पर फिर दो विधि कैसे मानी जाएगी? इसलिए मानेंगे क्योंकि दूसरा कोई वाक्य उत्पत्ति विधि का नहीं मिल रहा है, इसका अन्य कोई वाक्य नहीं मिल रहा है, इसीलिए इसको मानना पड़ रहा है। ठीक है, नहीं आई बात? यही तो चर्चा चल रही थी, वही उत्तर है इसका। दूसरा उत्पत्ति वाक्य न होने के कारण से, दूसरे उत्पत्ति वाक्य के अभाव के कारण से यहां दोनों मानी जा रही है, क्योंकि उत्पत्ति विधि तो होनी ही चाहिए, बाकी चीजें तो बाद में आएंगी। अधिकारी कौन है ये तो बाद में आएगा, प्रधानमंत्री बनना चाहिए ये तो बाद में आएगा कि कौन प्रधानमंत्री बन सकता है, मतदान दे सकता है, देना है, मतदान का कर्म आएगा तब प्रश्न उठेगा कि कौन कौन मतदान कर सकते हैं, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। हाँ। बोलिए आचार्य जी, उद्भिदा यजेता पशु काम। हाँ, इसी पर प्रश्न है। यहाँ पर उद्भिदा यजेता पशु काम में अभाव के कारण अधिकार और उत्पत्ति विधि दोनों हम मान रहे हैं। हाँ, तो जैसे सोमे ने यजेता में हम उसको उत्पत्ति विधि मानकर ज्योतिष्ट में ना स्वर्ग कामो यजेता को अधिकार विधि मान रहे थे, तो उसी तरह से उद्भिदा यजेता पशु काम को भी केवल अधिकार विधि मानकर सोमे ने यजेता में जो उत्पत्ति विधि मानी थी यजेता को, उसी को यहाँ पर उद्देश्य के रूप में अलग अलग है ना वो। ये तो ज्योतिष्टोम तो सोम के अंतर्गत आ जाएगा, ये अलग है। ये जो है उद्भिदा यजेता पशु काम, ये केवल याग नहीं, याग तो बहुत तरह के होते हैं, याग अलग अलग तरह के होते हैं, तो उसमें एक तो याग सामान्य का अर्थ नहीं लेना है यहाँ पर, जो कुछ अलग अलग याग हैं उस दृष्टि से इस याग की विधि कहीं नहीं है और कहीं नहीं है। दूसरा सर, इसमें पृष्ठ संख्या 56 में, 56 हाँ, इसमें जो उत्पत्ति विधि का उदाहरण दिखाए अग्निहोत्रम जुहोति, तो अग्निहोत्रम जुहोति इसको भी उत्पत्ति विधि मान रहे हैं, और जब हमने विधि विभाग शुरू किए थे वहां पर जो उदाहरण दिए थे अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, उसको भी हम उत्पत्ति विधि देख रहे थे, तो दोनों उत्पत्ति विधि कैसे हो सकते हैं? सामान्य रूप से ये अग्निहोत्रम जुहोति इतने अंश को ही ले रहे हैं। ये अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, जब हम अग्निहोत्रम जुहोति को, इस वाक्य को अगर हमने उत्पत्ति विधि मान लिया है, तो अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः
इसके अंदर हम दूसरे ढंग से लेंगे, अधिकार को ले लेंगे, अधिकारी विधि की स्वर्ग काम है कहा गया है, ये तो करना पड़ेगा हमारे को। हाँ, किंतु इसमें ये दिक्कत आएगी, पीछे पीछे वाला अग्निहोत्रम जो या स्वर्ग काम है सामान्य विधि का है ना। देखो इसमें क्या कहा था, ये पृष्ठ 48 की बात कर रहे हो ना आप, विधि विभाग का। जो चीज प्रमाणांतर से प्राप्त नहीं होती, यथा अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग कामा इति विधिर मानांतरेण अप्राप्तम। कौन सी विधि है, मतलब ये केवल सीधे सीधे तो कहा नहीं कि उत्पत्ति विधि है, मान लो चलो कोई बात नहीं। किंतु आचार्य जी इसमें 50वां जो पृष्ठ है, हाँ, उसमें जो 12वां अनुच्छेद है, 50वें में 12वां अनुच्छेद जो शुरू हुआ, हाँ हाँ, उसमें यत्र कर्म मानांतरेण प्राप्तम तत्र तदुद्देशेन गुणमात्रम विधत्ते, हाँ, दधना जुहोति इत्यत्र होमस्य अग्निहोत्रम जुहुयात इत्यनेन प्राप्त प्राप्तत्वात् होमोद्देशेन दधिमात्र विधानम्। हाँ, बोला। हाँ, तो अग्निहोत्रम जुहुयात में उत्पत्ति विधि है, यहाँ भी कहा गया, यहाँ तो जुहोति है, ये अग्निहोत्रम जुहुयात ले रहे हैं, एक ही बात है। अब ये तो थोड़ा सा अंतर मिलेगा, वो तात्पर्य से कह देते हैं या कहीं अलग अलग, इतने शास्त्र हैं कहीं से कहीं का वाक्य लिया हुआ है कहीं, ये मिलेगा आपको अग्निहोत्रम जुहोति और वहां अग्निहोत्रम जुहुयात, ठीक है। अग्निहोत्रम जुहोति का मतलब यही है, अग्निहोत्रम जुहुयात। हाँ, पृष्ठ संख्या 53, पृष्ठ संख्या 53। हाँ, इसमें जो सोमेन यागम भावयेदि इति किम मत्वर्थ लक्षणया इति वाच्यम्। हाँ, तो जब हम इसको केवल गुणविधि ही मानकर चलेंगे, हाँ, पूर्व पक्षी जैसा कह रहा है, हाँ, गुणविधि मानकर चलेंगे तो इसमें मत्वर्थ लक्षण की आवश्यकता नहीं है। किंतु जब गुणविधि मानकर चलेंगे तब भी इसको मत्वर्थ तो देखना ही पड़ेगा ना आचार्य, क्योंकि सोमेन यागम भावयेदि इतना कह रहे हैं, सोम से याग का याग करना चाहिए, सोम से याग मतलब केवल वहां पर सोम नहीं रहेगा, सोम के साथ हम दूसरे द्रव्य का भी उपयोग तो करेंगे, भले ही दूसरे द्रव्य हो तो, लेकिन सोमेन यागम भावे, सोम द्रव्य के द्वारा याग को करें जी। बस यहां तो सोम मतलब सोम द्रव्य ही लिया जा रहा है, सोम द्रव्य वाला, इस अर्थ को लेने की जरूरत नहीं है। यदि सोम से सोम से याग करें इतना कहेंगे, हाँ, तो केवल सोम से ये अर्थ निकलने लग जाए, नहीं जरूरी नहीं है, ले भी सकते हैं, लेकिन सोम से याग करे, बस सोम से याग को करे इसमें। अब पूर्व पक्षी है, पूर्व पक्षी थोड़ा सा तो इधर उधर बोलता ही है, ये सोमेन यागम भावयेत, आप पूर्व पक्षी के विपरीत बोल रहे हैं खंडन में, कि यहां पर भी मत्वर्थ लक्षणा तो करनी पड़ेगी। तो देखो, एक तो है कि सोम वाले याग को करे, ये भी कथन हो सकता है कहीं, लेकिन कोई कहे कि सोम के द्वारा याग को करे, सोम द्रव्य की सहायता से, सोम द्रव्य को करण के रूप में देख रहा है वो, सोम द्रव्य के द्वारा याग को करे। तो अब यहां पर जो सोम शब्द है, यहां वाला अर्थ नहीं, मत्वर्थ लक्षणा नहीं घटेगी, केवल द्रव्य के द्वारा मत्वर्थ लक्षणा की आवश्यकता नहीं, घट जाएगा वो। और कोई जी, अच्छा, 56 पेज पर वेदी चतुष्वेद में भाष्य में नीचे से चौथी लाइन, एक मिनट, 56 पृष्ठ पर विधि चतुर्विध में जो भाष्य है, विधि चतुर्विध, हाँ, इसका नीचे से हिंदी वाला, हाँ जी, नीचे से चौथी, हाँ, पांचवी, अधिकारी विधि का नाम कर्म विशेष के अधिकारी के गुणों का ख्यापन करने से अनवर्थ होता है। हाँ, अनवर्थ मतलब जैसा बोला गया है वैसा ही होना, अर्थ के अनुरूप होना। अधिकारी विधि का नाम, ये जो यहाँ पर अधिकारी विधि कही गई है, ये जो नाम रखा गया अधिकारी विधि, तो अधिकारी विधि का नाम कर्म विशेष के अधिकारी के गुणों का ख्यापन करने से, कोई कर्म विशेष है, मान लो अग्निहोत्र है या सोमयाग है कर्म विशेष, उसके उसका जो अधिकारी है जो कर सकता है उस काम को, उसके गुणों का कथन किया जाता है। हाँ, ख्यापन मतलब कथन, उसका प्रकटीकरण करने से अनवर्थ होता है। भाई अधिकारी विधि का नाम, इसका नाम अधिकारी विधि क्यों रखा गया, क्योंकि कर्म विशेष का जो अधिकारी है उसके गुणों का कथन किया जा रहा है कि इस कर्म को करने वाला इन इन गुणों से युक्त होना चाहिए। कि भाई अंतरिक्ष में जाते हैं वायुयान नहीं, ये रॉकेट वगैरह के माध्यम से, तो कौन जा सकता है, अंतरिक्ष यात्री कौन बन सकता है,
तो वहां कहा जाता है ऐसा ऐसा स्वास्थ्य होना चाहिए, हर कोई नहीं जा सकता, उसको हृदय रोग नहीं हो, उसके फेफड़े ठीक काम करते हो, हड्डियां ऐसी हों, रक्तचाप ऐसा हो, वो बहुत परीक्षण से गुजरना पड़ता है। तो कर्म विशेष मान लो ऊपर जाना हुआ, उसके अधिकारी का कथन का मतलब क्यों कह दिया है? क्योंकि अधिकारी के गुणों का वहां पर वर्णन होता है कि उसमें ये गुण होने चाहिए, इस कर्म को करने वाला ये होना चाहिए, इसलिए अधिकारी विधि नाम अनवर्त संज्ञा है। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए आचार्य जी। 59 पृष्ठ पे दूसरे अनुच्छेद में पांचवी लाइन पंक्ति, 59वें पृष्ठ पर दूसरा अनुच्छेद, हाँ जी, हाँ, पांचवी पंक्ति से, किंतु इससे संबद्ध कर्म स्वरूप मात्र के तथा फल संबंध के ज्ञापक स्वतंत्र वाक्यों का अभाव होने से अगत्या मतलब कि जहां कोई और चारा नहीं है, गति नहीं है। अगत्या मतलब अगति शब्द है, अगति का तृतीय एक वचन होगा अगत्या, अगति के कारण से, अगति के द्वारा। और गति क्या मतलब है हमारी समझ में आ रही है, तो वो तो हो गया, कोई चारा हमको दिख रहा है समाधान, तो गति, अगति मतलब जब और कोई चारा नहीं बचा तो ये करना पड़ता है। हाँ अगत्या संस्कृत शब्द जो कैथोलिक, अभी भाषा तो देखो चूंकि ये संस्कृत पढ़ने वाले हैं, उस समय जैसे चलती थी वो हिंदी लिखते हैं, तो उनकी संस्कृत, उनकी ये हिंदी जो है वो संस्कृत निष्ठ बहुत होती है, शब्द भी और वाक्य रचना भी उस थोड़ा सा शास्त्रीय है। ठीक है, समझ आ गई थी, अब हिंदी में उसका प्रयोग। ठीक है ठीक है, बोलिए लोकेश जी। ओम आचार्य जी, वाक्य भेद से जो विकल्प बताया, उस वाक्य भेद से विकल्प बताया, वाक्य भेद से विकल्प होता है, उस विकल्प से 8 प्रकार के दोष बताया। हाँ, वो 8 प्रकार के दोष क्या क्या है? वो आगे आएंगे, उसको भी छोड़ दो, वो विषय और, अभी तो इसमें से शाखा में से शाखा निकलेगी, इसका भेद ये, इसके ये भेद, उसको संभालना कठिन होता है, इन्होंने यहाँ कहा भी नहीं है, वो आगे हो जाएगा जब और विशेष विवेचना करेंगे, मीमांसा भी पढ़ेंगे, तब उसको अलग ढंग से उसको बताए उसको समझेंगे वहां पर। हाँ, दोष होते हैं बस अभी इतना समझ लीजिए, कई तरह के होते हैं, अलग अलग बहुत छोटे छोटे भेद से कर लेते हैं वो, क्योंकि इनको सब चीजें दिखानी होती हैं, तो बहुत छोटी बात को कोई सामान्य रूप से कहेगी नहीं ये तो एक ही बात है, इससे तो एक ही कह देते, पर वो छोटी छोटी बातें चूंकि उनको विवेचित करनी होती हैं, इसलिए अलग अलग भेद कर देते हैं, इतने प्रकार के दोष होते हैं। ठीक है, आगे चलें। पृष्ठ संख्या 61, अर्थ संग्रह का 16वां खंड, विनियोग विधि। तो विधि के इन्होंने जो भेद किए थे, इसमें उत्पत्ति विधि हम देख चुके, दूसरी विधि है विनियोग विधि। विनियोग शब्द हम जो शास्त्रों को कर्मकांड को करते हैं तो उसमें ये शब्द आता रहता है, विनियोग मतलब, योग मतलब जो लगाव जुड़ाव योग, और नियोग निशेष रूप से योग, और वि और विशेष रूप से मतलब बहुत जोर दे दिया, ये यहीं पर ही लगना चाहिए, ये विनियोग है। तो मंत्रों का अलग अलग कर्मों में विनियोग किया जाता है, विनियोग विधि का संक्षेप से यहां पर देखेंगे, बाकी मीमांसा में आएगा कि विनियोग कैसे कैसे होता है, विनियोग ये उचित है नहीं है, पहले कैसे विनियोग होते थे, अब कैसे विनियोग होते हैं। तो किसी मंत्र का किसी कर्म विशेष के साथ संबंध जोड़ देना, ये यहां पर बोलना चाहिए। हम कहें कि जो हम अग्निहोत्र करते हैं, महर्षि दयानंद ने जो अब प्रतिपादित किया, तो बोले उसमें इन इन वेद मंत्रों का विनियोग किया गया है, उनको चुना गया, चुन करके लगाया गया है, भाई इन मंत्रों का संविदाधान में विनियोग किया गया है, इन मंत्रों का इसमें विनियोग किया गया है, मतलब उसको वहां लगाया गया है, इसको विनियोग बोलते हैं, अलग अलग मंत्रों को इस जगह पर लागू करना, वहां वहां घटाना, विनियोग कहते हैं। तो बहुत से लोग एक एक शब्द को लेकर के भी विनियोग कर देते हैं, इस पर युधिष्ठिर जी ने भी काफी लिखा है, ये विवेचना आएगी कि आखिर विनियोग हो ना कैसे। तो कई जने किसी मंत्र के अंदर शनि शब्द आ जाता है ना, शनि शनि है, शनि शब्द का प्रयोग आ जाता है, तो कई जने वो आते हैं कि जी मेरे को शनि देवता चढ़ गया है,
शनि देवता होता है ना शनिश्चर, उसके लिए वो सरसों का तेल और वो चित्र वित्र लगा के करते हैं ना शनिवार को। तो कोई बता रहे थे कि वो विद्वान थे, वैसे तो वेदों से परिचित थे, अब लोग आ जाते हैं, अब लोग के जी हमारा तो ये हो गया, अब क्या उपाय बताए, उनको कोई मंत्र चाहिए और मंत्र चाहिए। तो उस शनो देवी या दूसरा जिसमें शम आता है तो उस मंत्र को बोले, बोले इसका जाप किया करो आपका ही हो जाए, उसमें बस शनि शब्द आया है। तो ऐसे एक शब्द के आधार पर और कहीं अर्थ कुछ का कुछ है, बस उसका विनियोग कर दिया जाता है, भाई इसका विनियोग यहां पर कर दो। तो गलत ढंग से भी विनियोग होते हैं, अच्छे ढंग से भी विनियोग होते हैं, और ये विनियोग की परंपरा कर्मकांड में बहुत व्यापक है, ये शब्द बहुत आएगा और इसकी विवेचना भी आगे चलती रहेगी कि क्या ये विनियोग है, क्या ये विनियोग करना चाहिए यहां पर, ये सारी विवेचना होगी। तो विनियोग मतलब कहीं पर लगाना किसी चीज को, और विनियोग में क्योंकि कोई चीज का योग यानी संबंध बताया जाता है किसी मुख्य चीज के साथ में, ये वहां पर लगाया जाता है, तो एक तरह से वो मुख्य का साथ में जुड़ने से अप्रधान होता है, गुण रूप होता है, गुण रूप होता है। तो विनियोग विधि को दूसरे शब्दों में गुण विधि भी कह दिया जाता है, गुण विधि। पीछे हमने गुण विधि देखी थी, दधना जो होती, सोमेन यजेत है गुण विशिष्ट विधि, दधना जो होती गुण विधि, दही का वहां पर प्रयोग, यानी जुहोती होम के साथ में दही को जोड़ा गया है, इसको यूं कहेंगे दही का होम के साथ में विनियोग कर दिया गया, संबंध बना दिया गया। ये विनियोग है, मंत्र का जैसे विनियोग कहते हैं, प्रचलन में तो मंत्र के संबंध में ही है विनियोग, लेकिन यहां विनियोग द्रव्य का हो सकता है, कुछ और हो सकता है, कुछ भी उसके साथ में जोड़ा गया, तो बोले इसको इसके साथ में नत्थी कर दिया है, इसके साथ जोड़ दिया, इसका विनियोग यहां कर दिया है। तो देखिए, अंग प्रधान संबंध बोध को विधिर विनियोग विधि, अंग, अंग मतलब तो है गौण अप्रधान, और प्रधान, प्रधान मतलब मुख्य, जैसे शरीर है और उसके अंग प्रत्यंग होते हैं वो गौण कहलाते हैं, शरीर मुख्य कहलाता है। तो अंग और प्रधान के इनके संबंध का जो बोधक है, बताने वाला है, उस विधि को विनियोग विधि कहते हैं। उदाहरण वही आ रहा है, देखिए, यथा दधना जुहोती, दही से होम करता है। अब इसमें क्या किया आगे देखिए, स ही तृतीयया प्रतिपन्नांग भावस्य दधनः होम संबंधम विधत्ते। ये जो स, स मतलब ये जो विनियोग विधि है, कैसे होती है ये, तृतीयया, तृतीया के द्वारा, दधना में तृतीया विभक्ति है। प्रतिपन्न अंग भावस्य, इस तृतीया के कारण से जिसका अंग भाव संपन्न हो गया है, दधि शब्द में जब दधना आया इसी से पता लग गया कि ये इसका अंग भाव है। दराती से फसल काट रहा है, दराती से दात्रा, तृतीया विभक्ति आते ही उसका अंग भाव आ गया। भाई इंस्ट्रूमेंट क्या है यहां पर, उपकरण क्या है, करण क्या है, ये पता लग जाता है। और जो करण होता है वो अंग होता है, गौण होता है, वो मुख्य नहीं होता है, मुख्य नहीं होता है, अंग रूप होता है। तो तृतीया विभक्ति के द्वारा जिसका अंग भाव प्रतिपन्न हो गया है, उसका, उस दधना, दही का होम संबंधम विधत्ते, दही का होम के साथ में संबंध जोड़ा जा रहा है। दधना जो होती में क्या किया गया, अंग रूप, तृतीया के द्वारा जिसका अंग रूप स्थापित हो गया है, गौण भाव स्थापित हो गया, ऐसे दही का होम के साथ में संबंध जोड़ा जा रहा है, दधना जो होती। तो इसमें अंग और प्रधान के संबंध का बोध हो जाता है, दधना जो होती होते ही ये दही अंग है और होम प्रधान है, ये संबंध पता लग गया हमारे को। तो इसी को इन्होंने वाक्यार्थ बोध में बोला, क्या, दधना होमम भावयेत। दधना ज्योति का क्या मतलब हुआ, दधना दही के द्वारा होमम भावे, ज्योति को खोल दिया, होमम भावे, जैसे यजेत को हमने कहा था यागम कुरियात, विधि यहां पर साथ में जुड़ी हुई है। तो दधना होमम भावेत, ये अर्थ यहां पर पता लग गया। आगे देखें, गुण विधौ च, और जहां ये गुण विधि की जाती है, ये विनियोग विधि गुण विधि है, जहां यह गुण विधि की जा रही है उसमें
धात्वर्थस्य साध्यत्वेन अन्वयः, धात्वर्थ का साध्य के रूप में अन्वय किया गया है। अब देखिए हमारे पास विधि कौन सी थी, गुण विधि दधना जुहोती, इसमें धात्वर्थ देखना है, वो कहां देखना है, जुहोती के अंदर। जुहोती में क्या धातु है, हो धातु है, तो धात्वर्थ का यानी हु धातु का जो अर्थ है वो साध्यत्व के रूप में, साध्य कौन है यहां पर, ओम, दधना जो होती इसमें साध्य क्या है, होम अथवा मुक्ति या तो स्वर्ग या और दूसरा आगे इसका प्रयोजन आएगा, इंद्रिय की जिसको कामना है, इंद्रिय की, इंद्रियों की गुणवत्ता की जिसको कामना है वो आगे वचन आएगा। जैसे कि इन्होंने लिखा आगे ही, दधनेन्द्रिय कामस्य जुहुयात, दधना जो इंद्रिय की कामना करता है वो दही से होम करे, इंद्रियों की मतलब इंद्रियों की गुणवत्ता की प्रार्थना करता है, तो आचार्य सनत कुमार जी ने इसी के आधार पे किया था, तो दही से होम करेंगे तो इंद्रियों की शक्ति बहुत बढ़ेगी, वो वेद का पूरा अध्ययन करना है, वेद में और गंभीर जाना है, बुद्धि हमारी ऐसी बने, इंद्रिय, इसलिए दही से वो प्रयोग किया था इसी पंक्ति के आधार पर। तो इंद्रिय की कामना वो तो अलग हो गई, तो अभी लेकिन दधना होमम भावयेत, इसके अंदर ये दधना होमम भावयेत में आप कौन सी भावना देख रहे हैं, शाब्दी भावना अर्थी भावना, शाब्दी भावना, शाब्दी भावना का साध्य क्या होता है, तीनों अंगों से युक्त आर्थी भावना, और आर्थी भावना क्या है, अर्थ क्या है वहां, होम, वो जो कर्म करेगा, आर्थी भावना क्या है, वो जो होम से संबंधित कर्म करेगा वही तो है ना, यद्यपि इंद्रिय की कामना भी वहां पर लक्ष्य जुड़ा हुआ है। तो यहां क्या कहा, धात्वर्थस्य साध्यत्वेन अन्वय, जुहोति में जो हु धातु थी इसका साध्य के रूप में अन्वय किया गया है, तभी तो कहा देखो दधना होमम भावयेत। अब ये दधना होमम भावयेत, भावयेत तो अलग चीज हो गई, और होमम जो बना दिया गया इन्होंने, जुहोति का हु निकाल करके होमम बना दिया गया, ये कैसे, कि हु धातु के अर्थ को साध्य के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। आगे तो ये तो कहीं होता है, और कहीं पर क्वचित आश्रयत्वेनापि, और कहीं पर धातु के अर्थ का आश्रय के रूप में भी अन्वय होता है। दधना जो होती इतना बोलेंगे केवल, तो हो धातु के अर्थ का साध्य के रूप में अन्वय किया गया, लेकिन कहीं गुण विधि में ही धात्वर्थ का आश्रय के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। कहां, उदाहरण दिया, दधने इंद्रिय कामस्य जुहुयात इति, दधना दही के द्वारा, इंद्रिय कामस्य जिसको इंद्रियों की कामना है, इंद्रियों की कामना का मतलब इंद्रियों की श्रेष्ठता है, क्योंकि इंद्रियां तो हैं ही हमारे पास में, जन्म से हैं, तो उनकी श्रेष्ठता ही अर्थ लिया जाएगा, उससे होम करे इति। तब कैसे है यहां पर, तो उसको कुछ खोल रहे, अत्र दधिकरणत्वेन इंद्रियम भावयेत, ये वाक्य अर्थबोध हो गया, दही है करण जिसमें, दही करणत्व के रूप में इंद्रियम भावयेत, इंद्रिय की भावना करे, अब होमम भावयेत नहीं, इंद्रियम भावयेत, जैसे वहां पर दधना होमम भावयेत था, यहां पर दधिकरणत्वेन इंद्रियम भावयेत, न तो होमम, इंद्रिय की हो गई। अब प्रश्न उठेगा कि तच्च किन्निष्ठम, ये जो करणत्व है दधि का, दधिकरण से इंद्रिय की कामना करिए, दधि का करणत्व किस पे आश्रित है, दही से कैसे, दही को खाने से, दही का खाने से, दही का इंद्रियों में सेवन कर, इंद्रियों में लगाने से, दही की भाप लेने से, क्या दही का क्या, तो तच्च किन्निष्ठम, ये जो करणत्व है दही का वो किस पे आश्रित है, इति आकांक्षाएं, ये आकांक्षा तो रहेगी जब किसी को कहा कि दही के द्वारा इंद्रियों की भावना करे, तो सीधा सा प्रश्न आएगा ना कि दही से कैसे करे, भी क्या कहना चाहते हो, आखिर दही से इंद्रियों की शक्ति कैसे बढ़ेगी, आकांक्षा रहेगी ना, वाक्य से आकांक्षा है, इच्छा करेगी, हम जानना चाहेंगे अभी, क्योंकि पूरी बात आई नहीं है, तो वहां पर होगा किम निष्ठम इति आकांक्षायाम, जब ये आकांक्षा होगी तो सन्निधि प्राप्त होम आश्रयत्वेन अन्वेति, वहां सन्निधि से प्राप्त होम, सन्निधि मतलब प्रकरण में होम चल रहा था, होम का विषय चल रहा था, और बीच में ये वाक्य आ गया था दधनेन्द्रिय कामस्य जुहुयात,
और जुहुयात में भी वहां पर हूर ले सकते हैं। तो सन्निधि प्राप्त होम को आश्रय, होम जो है वो आश्रय के रूप में अन्वित हो रहा है। कैसे आश्रय के रूप में? कि दही को होम में डाले और फिर उससे इंद्रिय की कामना होगी, इंद्रिय की शक्ति बढ़ेगी। जिस समय इंद्रिय नहीं थी, इंद्रिय काम नहीं था, उस समय वाक्य में दही का साध्य होम बना हुआ था, होम होमम भावयेत। लेकिन जब इंद्रिय काम आ गया तो अब होम साध्य के रूप में नहीं रहा और करण बना हुआ है दही। हम होम को भी साधन के रूप में बोल सकते हैं कि होम के द्वारा ऐसा करें, लेकिन जब दधि को करण के रूप में ले लिया है तो दधि किस आश्रित होते हुए? होम में आश्रित होते हुए, होम में वहां पर उसकी आहुति दी जाएगी, उससे इंद्रियों को करे। तो होम यहां पर आश्रय के रूप में अन्वित है इस वाक्य के अंदर। ये तात्पर्य बोध हो गया हमारा, वाक्यार्थ बोध हो गया, यही अर्थ, ऐसा ही अर्थ निकलेगा यहां पर। तो ये विनियोग विधि हुई, हो गया। आगे देखिए, अब इसमें पृष्ठ 64 के ऊपर लिखा है विधेय श्रुत्यादि षट प्रमाणानी। विधेय मतलब यहां पर विनियोग विधि, विनियोग विधि को करने के लिए 6 प्रमाण यहां पर कहे गए हैं। हमने देखो शुरुआत कहां से की थी? वेद से। वेद के कितने भाग बताए थे? 5 बताए थे। उसमें पहला कौन सा था? विधि। फिर विधि के कितने भेद हो गए? 4 हो गए। और 4 में से कौन सा चल रहा था? दूसरा, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि। अब विनियोग विधि में 6 चीजें और आ रही हैं। ये आप पीछे रेखा चित्र में देख सकते हैं, वहां भी उन्होंने दे रखा है, जो पृष्ठ संख्या 204 के ऊपर देखिए, इसको देखिए। ऊपर विधि थी और विधि में विनियोग विधि, दूसरी उसमें रेखा खींच करके क्या है? ये 6 सहकारी षट प्रमाण, ये 6 यहां पर लिखे गए हैं। तो उसको यहां पर कहा, तो विनियोग विधि के श्रुति आदि 6 प्रमाण यहां पर कहे गए हैं। भाष्य देखिए, इसका मूल देखिए, 16-17 अनुच्छेद। एतस्य विधेय सहकारी भूतानि षट प्रमाणानि, ऋणा कर लीजिए। इस विधि के यानी विनियोग विधि के सहकारी रूप में 6 प्रमाण हैं। 6 चीजें यहां पर उसको पुष्ट करती हैं। कौन कौन सी? एक एक करके बता दिया, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या रूपाणी। समाख्या रूप ये 6 ये इस रूप में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, इसकी पुष्टि में, विनियोग विधि में। इनकी सहायता से हम ठीक ठीक निर्णय कर सकते हैं कि यहां पर क्या विनियोग है, कौन अंग है और कौन अंगी है, किसको कहां पर कहना चाहिए, इनके आधार पर निर्णय होता है। तो इसी को आगे खोल रहे हैं। एतत् सहकृतेन अनेन विधिना। एतत् सहकृतेन का मतलब है इन 6 के साथ में की गई जो है, अनेन विधिना, इस विधि के द्वारा। यानी ये विनियोग विधि जब इन 6 के इस माध्यम से की जाती है, 6 का जहां जहां जैसा जैसा उपयोग होता है तो उसके द्वारा। अंगत्वम, अंगत्व को, क्योंकि विनियोग विधि में अंग और प्रधान का बोध होता है, तो अंगत्वम, अंगत्वम। इसको अब बिल्कुल अंत में चले जाइए, बीच में तो बोल देता हूं, परोद्देश प्रवृत्त कृति साध्य स्वरूपम, कृति साध्यत्व रूपम पारार्थ्यापर पर्यायम जाप्यते। तो इसको आप पहले सरलता के लिए देख लीजिए, एतत् सहकृतेन अनेन विधिना अंगत्वम जाप्यते। बस बीच की चीज अभी छोड़ दीजिए। इस विधि के द्वारा अंगत्व का ज्ञान कराया जाता है। कब? ये 6 चीजें साथ में जुड़ जाती हैं। अब जाप्यते से पहले देखिए क्या लिखा है, पारार्थ अपर पर्यायम। पारार्थ ये जिसका अपर यानी दूसरा पर्याय है, पर्यायवाची मतलब समानार्थक। तो ये जो लिंगत्व है, अंगत्व है, अंगत्व का दूसरा एक नाम क्या है? पारार्थ। पारार्थ बनेगा पर अर्थ, पर मतलब दूसरा या ऊंचा, दूसरा, दूसरा लीजिए, और अर्थ मतलब वस्तु, कोई चीज, प्रयोजन। जो परार्थ होता है, परार्थ मतलब दूसरे के लिए होता है, और उसके भाव को कहेंगे पारार्थ्य। तो अंगत्व का ही एक पर्यायवाची नाम क्या हो गया? पारार्थ्यत्व वहां पर रहेगा, वो पारार्थ है, परार्थ है, पारार्थ्य वहां पर मिलेगा हमारे को। जिस जिसमें अंगत्व है उस उसका
परार्थत्व भी होगा, पारार्थ्य भी होगा। अंग हमेशा प्रधान के लिए होता है, अंग प्रधान के लिए होता है, यानी दूसरे के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता है, दूसरे के लिए होता है। तो जो दूसरे के लिए होता है वो क्या कहलाएगा? अंग। और जिसके लिए होगा वो प्रधान कहलाता है, मुख्य कहलाता है। ये भी मीमांसा की एक बड़ी बात है, आगे बार बार आती रहेगी। जो अंग होगा वो परार्थी होगा, दूसरे ढंग से कहें जो परार्थ होगा वो अंग ही होगा, वो प्रधान नहीं हो सकता। जो दूसरे के लिए होगा वो अंग होगा। अधिकारी किसके लिए होते हैं? सरकार के अधिकारी प्रजा के लिए होते हैं ना, इसलिए आजकल प्रजा वाले जाकर के बोलते हैं तुम हमारे लिए काम करो, हमारे लिए हो, हमारे कर से तुम्हारे को वेतन मिलता है, तुम हमारे लिए हो। पर अधिकारी अपने लिए समझ लेता है, ऐसा जैसा उनका व्यवहार हो जाता है ना। अपने यहां पर अधिकारी रौब से बोलता है कि क्यों आया, क्या काम है, उसको परेशान करता रहेगा। वो ये नहीं समझता कि मैं इसके लिए बैठा हूं यहां पर। विदेशों में अच्छा रहता है, यहां बहुत दिक्कत रहती है सरकारी तंत्र में। हाँ, पब्लिक सर्वेंट होते हैं, पब्लिक के सर्वेंट हैं, वो सेवक हैं, वो उनके लिए हैं। इसलिए वो जिसके लिए हैं, तो जब वो कोई भी आता है, चाहे निर्धन आता है या छोटा आता है, वो बहुत आदर से और उसके लिए करते हैं, क्योंकि उसी के लिए तो वो नौकरी पर रखा गया है, उनको सेवा में रखा गया है। जो दूसरे के लिए होता है वो अंग होता है, और जिसके लिए होता है वो प्रधान होता है। तो विधि ना, इस विधि से अंगत्वम जाप्यते, अंगत्व का को जनाया जा रहा है। कैसा अंगत्व? परार्थे अपर पर्याय, जिसमें परार्थ की अपर पर्याय, ये नाम है उसी का। अब इसमें एक चीज और छूट गई, देखो, परोद्देश प्रवृत्त कृति। परोद्देश, पर के उद्देश्य के लिए, ओके, अंगत्व क्या होता है, परार्थता क्या होती है, पर को उद्दिष्ट करके किया जाता है। परोद्देश प्रवृत्त, दूसरे को लक्षित करके वो कार्य कर रहा है, प्रवृत्त हुआ हुआ है। कृति साध्यत्व रूपम, ये अंगत्व को बताया जा रहा है परार्थकों की, और उसमें कृति के, कृति का मतलब है अग्निहोत्रादि जो कृति कर्म है, कृति के साध्यत्व रूप। साध्यत्व मतलब जो जिसके द्वारा वो, ये न साध्य थे, जिसके द्वारा साध्य किया जाता है, ऐसा परार्थ। परार्थ क्या हुआ? जो पर को उद्देश्य रख करके प्रवृत्त हुआ हुआ है और उस कृति के साध्यत्व को अपने में रख रहा है, उसका कृति का साध्यत्व रूप है, वो खुद साध्य नहीं है, कृति के को साध्य के रूप में रखते हुए जो कार्य किया जाता है मुख्य को, उसको परार्थ या अंगत्व कहते हैं। तो ये हमने विनियोग विधि के ये भेद देखे, और ये इससे अंगत्व भाव का हमें पता लगता है, अंग का स्वरूप यहां बताएं। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणवतरण। सभी को सादर अभिवादन, ओम शिवाय।